Hi, I'm Gagan Kapoor. I'm a marketing consultant and a corporate trainer. And with me today is Vikram Rutra. He is a director of uh, Lifestyle Foods and uh, owner of the uh, spices brand Chakte. And uh, Vikram is a management graduate, uh, 19 years of experience, uh, a cricket lover, and a passionate, passionate uh, uh, entrepreneur, and whatever he takes with a super passion in it. Uh, so, welcome, Vikram. And uh, I want to start with talking about your uh, early days. Uh, of your life and career. Tell us about, uh, uh, about it. Thank you so much Gaganji for having me over and for those kind words. So, uh, I did my post-graduation from Ford School of Management and dad had a unsaid rule saying ki yaar, bahar jaake na kaam karna, pehle business mein nahi So, worked outside, worked with Citibank for a, almost about a year and a half and uske I joined, uh, I got into business. Uh, सो वॉट वी स्टार्टेड ऑफ वॉट कि हमने खारी बावली में ना एक साठ स्क्वेयर फीट की दुकान खोली थी एंड हम लोगों ने कुछ मसाले इम्पोर्ट करे और वहाँ से बेचना शुरू किया आ, लोकल मार्केट में सो आई स्टिल रिमेंबर सिक्सटीन ऑगस्ट टू थाउजेंड एंड सिक्स जब हमने उसका हवन किया शॉप का एंड भी स्टार्ट ऑफ एंड इट वॉज अ कल्चरल शॉक बिकॉज सिटी बैंक में मैं थर्टी लैक्स प्लस वाले अकाउंट्स मैनेज करता था यहाँ पे एक दिन मैं चल रहा हूँ पीछे से आवाज़ आती है राम राम बाबूजी एंड आई कैप्ट वॉकिंग एंड देन सडनली समी कम्स इन फ्रंट ऑफ मी से राम राम एंड लाइक आई वॉज ट्वेंटी फोर एंड भाजी वॉज लाइक अ कल्चरल शॉक सो स्ट्रगल फॉर अ कपल ऑफ यस इन खारी बावली बट इफ आई लुक एट रेट्रोस्पेक्ट देन प्रोबेबली दिस वॉज दी बेस्ट लर्निंग पीरियड आई एवर हैड बिकॉज जो आपको लर्निंग ग्राउंड रूट पर जाके बैठ के मिलती है ना वो आपको द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस विल नेवर बी एबल टू गिव यू सो स्ट्रगल्ड Uh, in terms of the cultural mind shift, which I was but massive amount of learning that I got from uh, already So thank God that I did took that step and uh, did that. Super. Uh, so since you have already you you already had a business, right? Your your uh, your father and your uh, brother, elder brother was already there in the business. Uh, was it uh, an easy ride for you to get into business? So now I can already say that I was blessed in this fashion. I hear.

डेवेस्टेटेड मेरी हालत बुरी थी एंड बिफोर आई एव इवन रिलाइजड मैं रोने लग गया था hmm. अकेला बैठा बैठा मैं शॉप पर सिर्फ रो रहा था बिकॉज आई वॉज ले कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ uh -huh. uh, अभी तक माई जर्नी अप टू खारीवली वॉज अमेजिंग आई वॉज अ गुड स्टूडेंट आई हैड गुड कॉलेज एवरीथिंग वॉज गुड एंड आई रिमेंबर गिविंग अ कॉल टू माई डैड सिंग कि बॉस मैं तो ये मेरी फट गई है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे समझ नहीं आ रहा हडवा कम आउट ऑफ फिट

इतना लॉस किया ना दस बीस लाख का लॉस किया तो चिंता क्यों कर करा मैं बैठा हूँ ना मैं मैं एक करोड़ का भी लॉस कर दूंगा कोई टेंशन नहीं है एंड फॉर एट दैट पॉइंट इट वॉज मनी फॉर एनी बडी इवन टू एंड बैक इन टू थाउजेंड फोर दिस वॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस दैट आई हैड डन इन द फर्स्ट थ्री मंथ्स इट वॉज रियली सुथिंग इट वॉज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बिकॉज इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार ये अपसेट्स आते हैं बट यू नीड समबड़ी टू सपोर्ट यू एंड से it's your dad patting पैटिंग back बैग एंड से कर लो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होती ना फिर तो यू बिकम लाइक रियली फियरलेस इन वो एवर यू डू सो दैट वॉज वन लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग दैट है इज नो कंप्लेट अबाउट दिस सो आई वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग आई नरेट अनदर स्टोरी आई वो स्टिल स्ट्रगलिंग दो साल हो गए थे एंड आई वॉज नॉट ऐट इज सो ऑब्वियसली माई ब्रदर ऑल्सो रियलाइज दैट कि यार ये जा रहा है कुछ हो नहीं रहा है उस डायरेक्शन ले स आई डेंट नो कि हाउ डू आई टर्न अराउंड एंड ही यूज टू टेक केयर ऑफ द बिजनेस जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते थे ग्रोसरीज टू अदर प्लेसेज ही वन डे के मैं यार वाई डोंट यू डू वन थिंग कि ऑस्ट्रेलिया वाली मार्केट ना तू देखे एंड ही वॉज कंप्लीटली इन चार्ज ऑफ द बिजनेस ही वॉज डूइंग इट ऑल बाई हिमसेप डूइंग ग्रेट जॉब इन दैट इट वॉज़ रियली बिग हार्ट ऑफ एम टू कम एंड से कि यार ये तो मैंने बच्चा बड़ा कर रहा हो मतलब तू संभाल ले बिकॉज ही जस्ट सॉ मी स्ट्रगल एंड आई रिमेंबर उस ट्रिप से पहले आई वॉज मैरिड आई वेंट आउट फॉर अ कॉफी विद माई वाइफ द डे आई वॉज ट्राइंग उससे एक दिन पहले से ये मेरा नाम मेक ऑफ ब्रेक होने वाला है बिकॉज आई बीम स्ट्रगलिंग ऑल देस एंड आई दौनली थिंग आई हैव इज आई हैव मैसिम अमाउंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई ब्रदर एंड माई फादर बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग So uh, that trip happened. Touchwood, some good conversions happened. I got back on track. I could get some new customers, had some great relationship with the existing customers. And that's how I kind of got back on track. Wonderful. So my journey of struggle actually started to come to an end only because of the support that I got from my father and my brother. Had they not been there, I would have been finished back in 2008 and 2009.

Uh, with learnings from them. This is super wonderful. <laughs> See, the moment you rise above your ladder, it becomes lonelier. Yeah. So, you need all the moral support and every support that you would need from your family because it becomes lonelier as as you grow and the journey becomes only difficult. So, that's the biggest blessing that I have to my life. Wonderful. Wonderful. So, Vikram, I've had the chance of working with you over the past two years. I've closely yeah. seen the way. Uh, you are working, you and Rajat are working, and uh, how you are managing the brand and working with the teams. Uh, so, I really want to ask you what does Chakde means to you? I am obsessively, madly, deeply in love with Chakde. Every day I get up, the first thing is how do I get the badge back on my chest of Chakde every time? Deeply in love. It's like a, you're raising a kid, so that's the amount of passion or the love that you have, nurturing a baby. That's how I've nurtured this brand. एंड आई स्ट्रॉली बिलीव दैट जो पैशन ऊपर से ड्राइव होता है ना वो नीचे अपने आप टीम में पर्कुलेट हो जाता है सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सो वी हैव दिस ईयरली मीटिंग जहाँ पे वी डू अ रिव्यू ऑफ द ईयरली रिव्यू एंड वी हैट ब्लू कॉलर वर्कर्स हु आर नॉट इवन एजुकेटेड शायद वो स्कूल भी नहीं गए हिंदी से ज़्यादा बोलते नहीं हैं उन्होंने आके प्रेजेंटेशन दी अबाउट वट एवर वी आर डूइंग इन द फैक्ट्री एंड हमारा विंस क्या थे पिछले एक साल के एंड दे केम एंड स्पोक अबाउट वर्ड्स लाइक एफ्लोडॉक्सिंग एंड सैलमिला आई वॉज अमेज द अमाउंट ऑफ पैशन इट गोज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन राइट फ्रॉम द टॉप टू द ब्लू कॉलर वर्किंग मेकिंग श्योर दे नो वट इज एफ्लोडॉक्स एंड सैलमिला एंड हाउ डू वी डिलीवर द बेस्ट क्वालिटी इज वेयर वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स वी टू ब्रिंग द सेम अमाउंट ऑफ पैशन देखो जब घर में कुकिंग हो रही है ना तो मॉम बहुत पैशनेटली कुक कर रही है फॉर द किड्स सो वी वोड मेक श्योर इट्स उसका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो भी इक्वली पैशनेट विद लव हुए उनके लिए वंडरफुल वंडरफुल आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन नाउ अ पर्सनल क्वेश्चन दिस पैशन व्हाट यू स्पोक अबाउट व्हिच यू हैव ब्रॉट इन टू योर सेल्फ योर टीम एज वेल एज द पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग ब्रांड चकते हैव यू ऑल्सो यूज दिस पैशन टू 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 चेंज और ट्रांसफॉर्म सम सम्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ Yes, absolutely. So, uh, till I realized about six months back saying that I was madly in love with Chakde and I thought that I was compromising my other spheres of hmm. life. Okay. So, then I thought, how do I bring the same amount of passion that I have for Chakde on other spheres of life well, as well, which was to do with my health, relationships, uh, things of interest like cricket. So, I made a conscious effort saying that I will be equally passionate about all the other spheres of life as well. Wow. And I have a more balanced life and just not obsessed with only one sphere of life. That's living the brand, Chakde. Super. Wonderful. So, I want to ask you another question now, just a follow up question with that. Uh, what are some of the values and belief systems uh, which are paramount to you uh, uh, personally and what you see it as at a brand, Chakde? ओके सो आई टॉक अबाउट the ब्रांड चकदे. What is इज द वैल्यू सिस्टम दैट वी हैव इन company? कंपनी सी we वी this दिस कंपनी said यार घर में ना हम बनाएंगे वो जो घर में अपने बच्चों को खिलाए ऐसा ना हो कि हलवाई बनाता कुछ और है बेचता कुछ और है। सो वी to मेक श्योर कि जो बनाएंगे वो घर में लेके जाए एंड आपको ना हर कोई everybody टू their राइट right credit, राइट वट्स कि हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है हम सबसे अच्छा बनाते हैं सबसे वो करते हैं हिल गिव यू अर स्टोरी अवरऑन दिस 2018 में वी वर री जेकिंग आर बिजनेस वी वर ब्लीडिंग फ्राम टू थाउजेंड ट्वेल्व टू टू थाउजेंड एटीन वी डेंट हैव डीप पॉकेट्स एंड फंडिंग हमारी कोई थी नहीं सो वी रियलाइज की बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना है एंड आर बिगेस्ट कस्टमर वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ रेवेन्यू हमने कहा वो ना इनफ मार्जिनस नहीं दे रहा ग्रेट कस्टमर बट नॉट लिविंग बस विद इनफ मार्जिन उसको कट डाउन करते हैं उसी टाइम पर हमारा सेकेंड बिगेस्ट कस्टमर विच वॉज ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ अर टोटल रेवेन्यू केम एंड टोल्डर्स की बॉस आप ना सोना दे रहे हो मुझे चांदी चाहिए mm -hmm. हमारा टारगेट ऑडियंसेस पचास हज़ार रुपये की मंथली इनकम क्रूप कैटेगरी का, का कस्टमर एंड ही डजेंट वॉन्ट योर क्वालिटी ही वॉन्ट्स वन क्वालिटी लोअर एंड एनी वेज आप मेरे ले प्राइवेट लेबल कर रहे हो आप मेरे ब्रांड में पैक कर रहे हो सो आप मेरे कहने पर चेंज कर दो दैन वी केम बैक एंड डिस्कस दिस इंटरनली आर ये ना कंपनी की फाउंडेशन और एथिक्स से नहीं मैच करता

आई वॉज लार ये जगह होनी चाहिए यहाँ पे बैठ के काम करने में मजा आ जाएगा बिकॉज आई कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम द ग्स इट वॉज द्लास एंड आई कुड सी एवरी थिंग अमेजिंग प्लेस एंड आई रिमेंबर हमारे कंसल्टेंट वॉज हेल्पिंग डिजाइन पावर ऑफ द फैक्ट्री एट दै पॉइंट सेट कि यार आपको क्यों चाहिए जगह यू विल कम हेयर वंस अ वीक दिस ऑफिस शुड गो टू द जनरल मैनेजर ऑपरेशन बिकॉज ही इज दन गो न लुक एट दिज ऑपरेशन सारा दिन बिल्कुल टुक मी अकेंड टू डिसाइड बॉस ये मेरा केबिन नहीं हो सकता मेरा केबिन पीछे कोने में होएगा क्योंकि मैंने तो ये सारा देखना नहीं है सो इट्स हेम हू डिजर्व एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं बेस्ट स्पेस छोड़ रहा हूँ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम ऑफ हैविंग अ फ्रूगल लाइफ पुटिंग द टीम इन फ्रंट सेकेंड स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम इज टू लीड बाई एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल कोविड डेल्टा वेव आपको याद होगा बैड वे वेरी बैड रियली बैड स्टेज एंड वी वर ऑपरेशनल बिकॉज हम इसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट स्पाइसिज आर बींग सर्वड एंड वोट एवर खाने की कुकिंग के लिए एंड ऑल दैट स्टाफ एंड एवरीबडी है एंड हमने अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट फैक्ट्री में कर दिए थे फॉर दायर टीम टू स्टे देयर वर्क देयर बी सेफ एवरीथिंग वॉज एंड चेक एंड बैलेंसेज दैन बट आई रैठ के नहीं कर सकता मेरे को अंदर से ना आई वो फीलिंग बार बार बाहर जा रहा हूँ अंदर आ रहा हूँ करके सो आई टूक अपटेल रूम स्टेड देयर सो दैट आई कुड गो टू द फैक्ट्री एवरी डे वर्क विद कम बैक एंड स्टेट रूम एंड नॉट गो टू माई होम बिकॉज आई डोटोज माई फैमिली

सो so, मेरा ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि देर आर फ्यूअर सक्सेसफुल पीपल एंड द बिगर चंक बिगेस्ट दिवन जो सोचते कि वो सक्सेसफुल नहीं है सो हाउ डू यू रिलेट टू दैम फास्टर सो मेरा मेरा टेक इज दैट आई गो एंड टेल दम कि बॉस मेरी भी उतनी फटी पड़ी जितनी आपकी है मैं उतना ही एंक्शस हूँ जितने आप हो मैं उतना ही डरता हूँ जितने आप हो मैंने आपसे ज़्यादा गलती अपनी लाइफ में करी है ठीक है सो so, वो हो गया कोई टेंशन नहीं है हम लोग इक्वल है आई एम नॉट एट अप पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और डोमिनेंस है कि मैंने बहुत कुछ तोड़ लिया तो मैं ऊपर हूँ आपके जैसा ही हूँ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो वहाँ पे क्या होता है कि मेन यू गो एंड शेयर योर है तो उसको ना थोड़ी रिलेटेबिलिटी आ जाती है उसको लगता है यार इस बंदे से जाके बात कर सकता हूँ ये समझेगा अदरवाइज जनरली क्या होता है वो सोचते हैं लीडर समझेगा नहीं क्योंकि उसकी तो लाइफ सुपर सॉलिड है वो कहाँ की बात करेगा मैं जाके अपनी छुटकुसी बात के बारे में रूँगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में तो फ़ियर हटाने की कोशिश करता हो सो दैट दे कैन कम एंड टॉक टू मी अब अगर कोई जेनवन प्रॉब्लम है आई वुड वॉन्ट टू गो आउट एंड हेल्प एंड सॉल्व इट बट फॉर दैट आई हैव टू बी मोर अप्रोचेबल एंड दैट्स माय माई वे ऑफ ओपनिंग अप टू पीपल आई वैट ग्रेट रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज वो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन रियलीस अपर आई कैन गो एंडी वी डों सबके साथ ही ऐसे है Now,

एट एट लार्ज कागन जी आप रियलाइज करो कि uh, आप एक दिन उठे सुबह आपकी फॉर एग्जाम्पल सैलरी और अर्निंग इज एक लाख रुपये दो लाख रुपये पाँच लाख रुपये वट एवर इट इज एंड उसका फाइव टाइम्स अकाउंट में आपको मैसेज आता है टिंग फाइव टाइम्स ऑफ दैट मनी इज गेनिंग क्रेडिट इन योर अकाउंट आपकी एक लाख की सैलरी आपको मैसेज आता ,00 है पाँच लाख रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हाउड यू फील आई वु फील ऑसम वॉट गुड यू डू वैट

प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अनएजुकेडेट है दे कांट इवन नो कि वो पैसा लेंगे कैसे और उनको स्कीम्स के बारे में मालूम भी नहीं है तो वो कभी भी पैसा उन तक पहुंचता ही नहीं है सरकार आ, ने स्कीम बनाई है बट वो पैसा उन तक नहीं पहुंचता सो हमने सिर्फ एक ब्रिज बनाया कि वो सरकार की स्कीम का पैसा उनके पास चले जाए जो भी हमें गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करनी थी उनके पेपर वर्क पूरे करने थे डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना था वो सब पूरा किया आई डेव टू पेंगेम अटवीन दी गवर्नमेंट एंड दे पैसा उनके अकाउंट में डायरेक्ट आया एंड देर एक्सट्रीमलीप्पी उसके बाद वो कभी भी छोड़ेंगे हमें लोग कहते हैं कि ब्लू कॉलर वर्कर्स चेंज होते रहते हैं ट्रिशन बहुत हाई होता है hmm. वो थोड़ी सी सैलरी इंक्रीज के लिए चले जाते हैं मैं कहता तो हूँ भाई वो कभी भी नहीं छोड़ के जाते उनको आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट से बात करो प्यार से बात करो अनफॉर्चुनेटली वो बेली अपने को कर रहे होते हमारी पैसे के हिसाब से आपको जज hmm. करती है ऑल आर लुकिंग एट इज लव एंड रिस्पेक्ट अगर आप उनसे बात कर रहे हो ना देर एवर वो कभी भी छोड़ के आ, नहीं जाएंगे इसी को मैं अगर वो करूं ऑफ मिडिल लेवल लेयर

दे ऑल्सो वॉन्ट की पेशेंट्स आए उनके पास उनको मैंने अपने पूरी टीम केयर ऑफर आई डेंट हूिंग सो यही बहुत सारी ऑपर्चुनिटीज हैनी प्रॉब्लम क्या होती है अरे बहुत खर्चा लगेगा तो नहीं करेंगे

वो लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है hmm. मेरे पास तो सारे एजुकेटेड लोग भी है चार्ट अकाउंटेंट्स भी है कंसल्टेंट्स भी है जो हेल्प कर देंगे मुझे वो कराने के लिए उन बेचारों की कौन हेल्प करेगा सो एज एज ऑन्टरप्रन दैट्स आर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि यार वो का भी वी डू उतना ही एड़ी चोटी का जोर कि उनकी लाइफ भी बिकम्स बेटर सेकेंड वी बिलीव मैसिवली ऑन ट्रेनिंग 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 एंड मोर ट्रेनिंग जितनी ट्रेनिंग करो ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं उतनी कम है विच कुड बी टू डू विद नॉट जस्ट की प्रोडक्ट के बारे में विच कुड बी हम लोगों ने हेल्थ के ऊपर क्या फूड खाना चाहिए उसके ऊपर वी वीडेड ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी दैट हाउ डू यू सी बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स सो वेरी टॉपिक्स पे पर हेनिंग करते हैं सो दैट देयर लाइफ बिकम्स ईजियर एंड बेटर इन दी लॉन्ग रन बहुत लोग कहते हैं यार आप इतनी ट्रेनिंग में पैसा खर्चते हो उतना करते हो तो वो तो चले जाएंगे और देर इज एटलीस्ट इन आर पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड और इन पार्ट ऑफ आर सिटी वो कहते आ यारे चकदे से आ रहे हैं ना तो कोई भी मसाला कंपनी बिल पिकिंग अप इमीजिएटली बिकॉज द दिमाड ऑफ ट्रेनिंग वो कर चुका होएगा अब वो वो ऐसी बातें बोल रहा होगा दूसरी इंटरव्यू में जाके वो कहेगा वो ये भी कर सकते हैं हाँ। है आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ हाँ। एंड हमने इतने एग्जाम्पल्स देखे कि वो छोड़ के चले जाते हैं डर हमें भी था यार हम खर्च रहे हैं सीखेंगे कहीं और जाएंगे जी बट लेटर वी रियलाइज है वो चले जाएंगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड वो हमें हेल्प किया क्यों वो गए दूसरी कंपनी में दे वॉन्टिड टू इम्प्लीमेंट जो यहाँ पे काम होता था बट वो कल्चर ही नहीं मिलता ना एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अ कल्चरल परस्पेक्टिव बिल्कुल मसाला तो मैं भी बना रहा हूँ और कोई भी और बना सकता है बट मेरे जो कंपनी का कल्चर है विल भी एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम जो दूसरी कंपनी का कल्चर है Absolutely. वो वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे जाके सफोकेट हो जाते हैं दे डोंट गेट दो सिस्टम दे डोंट गेट दो अब वो सैलरी हाइक ले लिया उसने एंड बट उसके बाद जाके वो स्ट्रगल करता हैिकॉज द अदर पार्ट्स ऑफ इस एरियाज आर एब्सुलूटली नॉट टेकिंग केयर ऑफ इतने एग्जाम्पल्स हुए हैं जहाँ पे जैसे है कि बॉस वापस रख लो पुरानी सैलरी पर रख लो मुझे हाइक छोड़ दो बट मुझे वापस ले लो बिकॉज हम यहीं पर काम कर सकते हैं ब्लड डोनेशन कैम्प वी डू लोग आते हैं गिफ्ट मतलब दे कम एंड डोनेट ब्लड बिकॉज जस्ट बिकॉज वी वी ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैम्प फॉर पीपल टू कम एंड कॉन्ट्रीब्यूट हम लोग छबील लगाते हैं वे वी सर्व पीपल ऑन द रोड मतलब क्या मैसिव एक्साइटमेंट होती है फॉर पीपल टू तो कम एंड सर्विसिंग द सोसाइटी सो दे लिव बाय द पैशन एंड इट फ्लोज डाउन सो यस वी टेक एब्सोल्यूट प्राइड इन टेकिंग केयर ऑफ आर पीपल वी फील एंड वी से वी आर पीपल उपसेस्ड कंपनी वी आर नॉट कस्टमर उपसेस्ट कंपनी हम जेफ बेजॉज है जो कस्टमर उपसेस्ड है Our ideal is Ratan Tata saying people obsessed. So we want to take care of our people. We want to take care of our vendors. We want to take care of our customers. Everybody has to be taken care of, not just the customers. That's what we do. Super. I I am not uh, aware of many such companies who actually go so deep into uh, uh, into people and thinking about them with passion, with heart, and with soul being uh, plowed in. I think that's really wonderful. So Vikram, uh, innovations are a very critical part of the business, be, be it a brick and mortar business like ours and Spices or be it uh, a high on tech or technology business, right? So what do you do uh, to bring innovation in uh, in Chakde? See, we'll break this down into two parts of it. One is the technological part of it and how did we do it and second one is that what innovative products that we did. सो इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन वॉट है स्पाइसिस बिजनेस हमने रियलाइज किया ब्लैंडेड स्पाइस की जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा ब्रांड लॉयल सेगमेंट है विच इज बींग गवर्न बाय द बिग प्लेयर्स इज द एमडेच दवरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वो वॉज द स्पेस वी वर वी वर वी आर स्टिल ट्राइंग टू क्रैक दट सेगमेंट ऑफ द मार्केट सो वो वॉज अ चैलेंज सो वी रियलाइज यार हाउ डू वी क्रैक दिस सेगमेंट ऑफ द मार्केट एंड क्रिएट अ स्पेस फॉर आर ओन सेल्फ सो हमने उस टाइम पर ना प्रोडक्ट निकालना शुरू किया लाइक लड़का गर्म मसाला साबुत सो हमने कहा कि आप घर में पिसा हुआ गर्म मसाला मत लेके जाइए आप गर्म मसाला के सारे इंग्रेडिएंट्स इन अ होल फॉर्म फार्म इन अ पाउच यू ग्राइंड इट फ्रेश यू ग्राइंड इट फ्रेश एट होम द दरोमैटिक्स विल बी फार सुपीरियर देन द बेस्ट ऑफ द मशीनरी दैट यू वुड यूज इन द फैक्ट्री कोई भी और फैक्ट्री होगी उससे भी मतलब बेस्ट ऑफ द यू विल गेट इट वन यू ग्राइंड इट फ्रेश एट होम एंड सेकेंडली द देर इज ट्रांसपेरेंसी फॉर द कस्टमर टू सी कि उसके इंग्रीडियंट्स क्या है वो उसमें क्या यूज कर रहा है क्या कंज्यूम कर रहा है पाउडर स्पाइसेस में क्या होता है कि वो पाउडर हो चुके ही डज नॉट नो द इंग्रेडिएंट, ही नॉट नो कंपोजिशन ऑफ द इंग्रीडियंट्स सो वी थॉट कि हाउ डू वी ब्रिंग दिस ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिसिटी टू दस्टमर्स घर में फ्रेश ड्राइंग करोगे इट इज एन अमेजिंग रिजल्ट सो मच सो फोर्स लेट्स एक आर गर्म मसाला साबुत करंटली इज दैट एन एम ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज ओके एनी ऑफ द नेशनल ब्रांड्स will be selling at 100 rupees hmm. and it is still the hero product it's still the highest selling sku for us as a company despite the fact it's 50% higher than the competition wow. purely on the fact that the value it brings onto the table hmm. these flavors the uh, the quality is far superior and hmm. the customer is vouching for it hmm. so we thought this was a good route for us and then later now we've

इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है इट इज नॉट समथिंग विच प्रॉब्लम और हमने कहा सोल्यूशन क्या सोल्यूशन टल द टाइम वी कॉट होल्ड प्रोफेसर इन यू एसल्ड दिस फॉर सम अदर इनग्रीडियंट नॉट फॉर फुलट समी रियलाइज दिस कुड वर्क फॉर आर फुल मखाना ऑल्सो सो वी वर फर्स्ट वन टू ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी डू डॉ फूल मखाना टू मेक श्योर की उसके अंदर का जो अगर कोई इन्फेस्टेशन है तो वो बाहर निकला हुआ है।, है वो मरावा भी अंदर नहीं जा रहा सिमिलरली वी रिलाई टेक चिया सीड इन मॉर्निंग पानी में डाल के रात को मेरी वाइफ सोख सेट एंड आई रिलाईज पीता था ना तो एकदम से ना कड़क करके आवाज भी आती थी कि यार कुछ आया कुछ पोर्सन आया अदर देन चिया सीड एंड आई उलवेज ऑलवेज वंडर यार ये कैसे करे इट वॉज अ डस्ट पार्टिकल इट वॉज अ पैराबोलिक आर्टिकल जो कि ग्राउंड से जब फार्म से वो हो रहा है तो उसी से आ रहा है क्योंकि उसका कलर और बल्क डेंसिटी सेम है तो वो सेग्रीगेट नहीं हो पाता बट आई रियइज़ यार ये प्रॉब्लम तो है इसको क्रैक करना है अगेन इसके ऊपर डीप डाइव करना स्टार्ट किया एंड वी रियली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस सो वी केम आउट विद द टेक्नोलॉजी जो हाँ पे वो पैराबॉलिक आर्टिकल्स कूड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द चीयर सीट एंड नाउ आई कैन प्राउडली से वी वुड बी दी ओनली सीड इन द मार्केट जिसमें आपको कड़क की आवाज नहीं हैज बीन सेग्रीकेटेड बाय द टेक्नोलॉजी विच देवर नॉट एबल टू डू देवर सो मेनी सच मशीनरीज दैट वी डन जो कि हमने प्रोडक्ट स्पेसिफिक देख के सॉल्व किया आई गिव्यू नदर एग्जाम्पल मोटी इलाइची इज ग्रोन इन दॉरेस्ट एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट सो वहाँ पे बहुत uh, जो ग्रोइंग एरिया है बहुत डस्टी है सो यू वुड ऑलवेज सी की मोटी इलायची की लेयर के ऊपर हमेशा बहुत डस्ट होती है एंड दैट इज वॉट बिन कंज्यूमिंग ऑल दिस वाइल वी रियलाइज दर ये प्रॉब्लम है हरू वी रिमूव दिस सो वी क्रिएटेड अ टेक्नोलॉजी हम जो हमने इनहाउस बनाई मशीनरी टू मेक श्योर की वो डस्ट निकले एंड देर इज नो लेयर ऑफ डस्ट विच इज जो आपको वैसे नई से दिखती नहीं है बट वो चिपकी होती है आपको पता भी नहीं चलता एंड दैट वॉट इज गेटिंग कंज्यूम टू मेक श्योर कि हम उसको साफ करें बिफोर इट गोज आउट टू दी एंड कस्टमर आई एम सॉरी बट अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी अ ग्रीन कार्डमम सो ग्रीन कार्डमम में क्या होता है आप पॉट का साइज देख दोनों में आपको एक जैसा दिखता है आपको बढ़िया दिखता है बट हम उसको सेग्रीगेट करते हैं कि जो हैवियर ग्रीन कार्डमम आ रहा है दैट्स बेटर ऑन ऑयल कंटेंट बिकॉज उसके अंदर सीट कॉम्पोनेंट ज्यादा है बिकॉज hmm. उसमें सीट ज्यादा है तो वो क्वालिटी इज बेटर जो हम मशीन से सेग्रीकेट करते हैं जो हैवियर मटीरियल है उसको अलग करते हैं जो लाइटर मटीरियल अलग है

सो so, जयफल एक राउंड कलर की बॉल होती है और उसके अंदर क्या होता है कि जनरली अंदर से फंगस लगती है फ्रॉम सेंटर एंड इट कम्स आउट टूवर्ड्स द टॉप जब तक वो टॉप पे नहीं आ रही होती तो किसी को दिखता नहीं है हुँ. कि उसके अंदर कुछ इन्फेस्टेशन या फंगस है एंड हम जितना भी जयफल कंज्यूम करें वो ऐसे ही करें इन एंटिसिपेशन अंदर क्या है किसी को नहीं पता देर इज़ नो वे टू डीप डाइव तो वो जनरली क्या करते थे काटते थे और देखते थे कि अंदर से है कि नहीं है अगर काट दिया तो इट इज़ नॉट सोल्ड एज अ होल फॉर्म तो कस्टमर वो उसको ख़रीदता नहीं है एंड हमने कहा यार इसको कैसे सॉल्व करें बहुत टेक्नोलॉजी की चांसेस वो काम करने की हमें सोल्यूशन नहीं मिला हमें इसका सोल्यूशन ऐसा मिला जो कि मतलब माइंड वॉकलिंग सोल्यूशन था आई आई थिंक वी वी आर दी ओनली वन एंड जो कोई और कर भी नहीं पाएगा एक एक जयफल के पीस को जो लेबर है हमारी फैक्ट्री में वो वुडन के टेबल पे नॉक करती है ओके okay. उसकी आवाज से सुनती है कि वो हॉलो है कि वो भरा हुआ दाना है एंड uh -huh. जो हॉलो है दैट मींस कि वो अंदर से इन्फेस्टेड है इसलिए उसकी होलो वाली साउंड आ रही है और जो एकदम ठोस दाना होता है जो भरा हुआ दाना होता है जो नॉन इन्फेस्टेड होता है उसकी आवाज एकदम कड़क सी आती है विच इज अ स्ट्रॉग वो सो वी आर मतलब अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो साउंड शॉर्टिंग निकाला Hmm. it's it's a term that you would not have heard anybody in the industry using it because problem प्रॉब्लम है solve करनी है भाई वो चाहे अगर टेक्नोलॉजी नहीं कर रही ना तो solution निकाल के लाना है so we are the creators of the technology called sound sorting जहाँ पे हम एक एक जयफल के piece को शबरी के बेर की तरह ना ठोक के देखते कि भाई ये ये राम जी को खिलाए कि नहीं खिलाए <laughs> जो हमारे कस्टमर्स है जो हमारे भगवान है उनको वो दे कि नहीं दे वो एक एक पीस इज टू मेक श्योर कि वो अंदर से वो फंगस या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी हेल्थ hmm. को कोई चैलेंज आए सो एक्सट्रीमली मतलब द सोल्यूशन हैज़ टू कम वेदर टेक्नोलॉजी और वेदर अ ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोसेसिंग वंडरफुल वंडरफुल सुपर सो विक्रम इतने सारे इनोवेटिव मेथड्स आपने बताए अभी और किस तरीके से आप इंटीग्रेट uh, कर रहे हो अपनी टेक्नोलॉजी और किस तरीके से नए नए मेथड्स निकाल के आए एंड आई ऑल्सो नो कि uh, मार्केट में बहुत कंपटीशन है आज के डेट में इतने सारे ब्रांड्स हैव बिगर ब्रांड्स हु देयर फॉर डोंकीज इयर्स कुछ एक नए ब्रांड्स अप हुए हैं वी आर सीइंग एवरीडे दैट इज हैपनिंग सो ऑल ऑफ दिस मेथड्स व्हिच यू जस्ट स्पोक अबाउट क्या ये आपको कहीं पे एक कॉम्पिटेटिव एज दे रहे हैं वॉट इज वॉट इज योर पोजिशनिंग फ्रॉम दैट परसपेक्टिव इन द मार्केट सी हंड्रेड परसेंट इट इज गिविंग एस एन बिकॉज हम लोग प्रोडक्ट ऑब्सेस्ड है मैं आपको बताया कि वी वोट मेक द बेस्ट प्रोडक्ट सो इट इज नॉट दैट आई वॉन्ट टू सेल एन एवरेज प्रोडक्ट विद अ ब्यूटिफुल मार्केटिंग एंड सेंग मैं अपने मार्केट को वहाँ पे रहा करो सो वी वोट मेक श्योर द प्रोडक्ट इज द बेस्ट इन द मार्केट एंड दैट्स द रीजन वी गेव अ वी हैव अ कैंपेन सेंग साफ नहीं तो पैसा नहीं यू फाइंड एनी अदर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट स्पाइस विच इज बेटर देन नास हंड्रेड परसेंट मनी बैक ऑफर यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन आर प्रोडक्ट दिस हंड्रेड परसेंट मनी बैक ऑफर एंड दिस आर नॉट जस्ट फॉर द वर्ड्स फॉर इट इट्स

अगर हम टेक्निकल में बात करें तो कर्क्यूमिन के चक्कर में हमारी हेल्थ अच्छी होती है एफ कहता है कि दो परसेंट मिनिमम करक्यूमिन होना चाहिए इन हल्दी। अब द इंटायर इंडस्ट्री इज फॉलोइंग द एफ एस एस आई स्टैंडर्ड सेंगी दो परसेंट वाली कर्क्यूमिन वाली हल्दी करेंगे वी एट चकदे दे टा स्टैंड सेंगे बॉस हम दो वाली पे नहीं करेंगे विल डू साढ़े तीन

जो फ्लेवर होता है सारा का सारा वो होता है सीट के अंदर hmm. उसकी हस्क में फ्लेवर नहीं होता सो इज़ डूइंग अ ग्रीन पाउडर। लोगों का प्रोडक्ट आता है फिर जो ऑयल hmm. फ्लेवर अरोमा है वो इलायची सारा सारा के, के हस्क में नहीं है सो वी केम प्रोडक्ट सेइंग इलायची दाना पाउडर माय प्रोडक्ट इज थर्टी थ्री परसेंट बेटर इलायची पाउडर अवेलेबल इन मार्केट बिकॉज वो हस्क वाला कर रहे हैं और हम सिर्फ इलायची दाना पाउडर को ग्राइंड uh, कर रहे हैं सो वी गो रियली डीप इन टर्म्स ऑफ हाउ डू वी मेक इट बेटर आई यू अनदर एग्जाम्पल सो कासिया दालचीनी जिसको हम कहते हैं तो दालचीनी पेड़ की छाल होती है hmm. और बहुत बार आपको देखेगा कि तो दालचीनी के ऊपर ना एक वाइट कलर की परत सी लगी होती है विच इज बेसिकली फंगस अब आप इंडस्ट्री में किसी से भी बात करोगे तो वो आपको ये कहेगा कि यार ये ना पेड़ की छाल है फॉरेस्ट में हो रहा है नेचुरल से आती आती है देर इज़ नो वे टू डू इट एंड एवरी हैज़ बिन कंज्यूमिंग दिस और ऐसा नहीं है कि ये सदियों से चल रहा है ऐसा काम ये चल रहा है बीथ यर है फंगस तो ना एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ नॉट गुड सो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम कम से कम भी तो आठ से दस बार मैं मेरी टीम वेंट टू वेतनाम वियतनाम में हनोई से 150 किलोमीटर फिफ्टी अप नॉर्थ इज वेयर दालचीनी उगाई जाती है वेंट देर पर्सनली टू लुक एट की बॉस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे एंड देन वी केम आउट विद दोल्यूशन सेन की स्किन पील्ड दालचीनी जो ऊपर की लेयर है वी पील द स्किन ऑफ टेक द फंगस ऑफ एंड मेक श्योर कि उसका कोई इंप्रेशन नहीं रह गया ऑन द दालचीनी इट हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ एंड वो वाला प्रोडक्ट गोज इन फॉर द कस्टमर आई कैन वाउच फॉर इट ओनली वन जो कि ये कर रहा होगा कंट्री में स्किन पिल्ड का इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम बिकॉज वो प्रॉब्लम के ऊपर हमने इतना टाइम और मेहनत और टू वर्क विद लोकल फार्मर्स देर लोकल ट्रेडर्स हमने एफर्ट डाला है टू मेक श्योर वी ब्रिंग आउट दैट थिंग सो वी आर प्रोडक्ट ऑफसेस्ट वी आर नॉट अ कंपनी विच विल डू फ्लैशी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एंड गिवन एवरेज प्रोडक्ट विल डू द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट टू दी कस्टमर बिकॉज हमारा वादा कस्टमर के साथ ये मैं आपके पैसे का कस्टोडियन हूँ आपको बर्थ मिलनी चाहिए फॉर द प्रोडक्ट दैट यू बाय फ्रॉम अस वंडरफुल वंडरफुल सो विक्रम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन अब इतने इनोवेशंस कर रहे हो इतना कुछ एक्शन हो रहा है कॉम्पिटिशन के ऊपर में आप यू नो यूर क्रिएटिंग एन एज ओवर द कॉम्पिटिशन इतने ही सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे राइट विद सो मेनी टीम मेम्बर्स हाउ डू रियली कीप ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स वट इज किस तरीके से यू कंट्रोल ऑल ऑफ दिस वट इज है पॉपुलर सेंग जिसको हम बहुत फर्मली बिलीव करते हैं अपनी कंपनी में वट गेट्स ट्रैक्ड गेट्स डिलीवर्ड यस सो मैं मोटिवेशन करूँगा कुछ टाइम चलेगा मैं डांटूँगा कुछ टाइम चलेगा बट इवेंचुअली वट एवर वी आर ट्रैकिंग विल गेट डिलीवर्ड सो जो हमारा डैशबोर्ड बनता है ना hmm.

अगर मैं आपको फैक्ट्री बोलू, का बोलूँ आई गेट अ वन थर्टी टू पेज का डॉकेट एवरी वीक सेट है इन दी फैक्ट्री एवरी थिंग गेट्स मैप्ड इन दैट हंड्रेड एंड थर्टी टू पेज का डॉकेट कि फैक्ट्री में क्या क्या हुआ क्या प्रोडक्शन हुई क्या लॉसेज हुए क्या क्वालिटी के रिजेक्शन थे एवरी डिटेल गेट्स मैप्ड ऑन टू इट एंड आई कैन नाउ बिकॉज एव बीन लुकिंग एट दैट डॉक्यूमेंट फॉर लास्ट सिक्स सेवन ईयर्स so it only takes me 15 minutes to kind of go through the entire document and know what is happening and get a feel of what is happening because i've been doing reading it through for so many uh, hmm. years hmm. and really helps me to be on top of it because i know at the end of the day data is the key hmm. real gold hai. data or data ke upar kya dekh rahe ho, what is what are you monitoring and how are you tracking it will kind of really help you scale up Mm. i don't think so there is any ways uh, any of us can scale up because point you were stagnation yes i think that's a really wonderful thing what gets mapped gets dragged as well as then gets achieved. delivered yes absolutely. super wonderful all right so Vikram, uh, so much of technology so much of competition uh, so much of advancement which we have done in, uh, in all of these elements but आई एम एब्सोल्यूटली श्योर दैट दिस वुड नॉट हैव कम विदाउट फेलियर्स फेलियर्स हर किसी के लाइफ में होते हैं हर किसी के uh, जिंदगी में होते हैं तो वाइल uh, हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करी आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि आपके इस पूरे प्रोसेस में क्या फेलियर्स रहे एंड उन फेलियर्स से हाउ हैव यू बिन एबल टू इवॉल्व इन टू अ बेटर कंपनी और अ बेटर पर्सन सी एप्सोलूटली आई हैवे डिफरेंट टेक ऑन फेलियर्स एंड बहुत सारे फेलियर्स रहे गगन जी एंड uh, क्योंकि वो वी हैर एबल टू रीच वी वीवर बिकॉज एवरी टाइम देर वॉर्ज अ फेलियर वी कमिंग बैक एंड सेट की भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे देवर हंड्रेड ऑफ़ फेलियर फॉर वन सक्सेस सो वो बहुत सारे फेस किए बट आई अ डिफरेंट टेक ऑन फेलियर बिकॉज आई रिमेंबर मैंने ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाला था जहां परेलियर हाउ डिड आई ओवरकम इट एंड हाउ डिड इट गिव मी रिजल्ट इन दी एंड सो माई को ब्रदर टोल्ड मी यार ये तो बहुत सॉलिड है आप अपने फेलियर के बारे में बात कर रहे हो और सोशल मीडिया ये तो कोई भी नहीं करता बहुत सॉलिड है एंड देन आई रियलाइज यार मैं बात तो कर रहा हूँ बट आई मेट माई सेल्फ हीरो आउट ऑफ इट उस पूरी स्टोरी में मैंने बोला मैं तो भैया पिट गया था फेल हो गया था लेकिन मैं तो स्ट्रांग आदमी और वापस आके आई डेरेट सो आई मेड माई सेल्फ अ हीरो आउट ऑफ द इंटायर पोस्ट सो टॉकिंग अबाउट फेलियर एंड मिकमिंग अ हीरो मतलब लगा मुझे नहीं फेलियर के बारे में तब बात करनी चाहिए जब आप फेल हो रहे हो

आज फटी तो होनी चाहिए ना कि भैया उसके बाद हीरो बनूंगा नहीं बनूंगा हो सकता है कि बाद में हीरो वो ले नहीं बनो बोला ये फेलियर ही रह गया था बट वो डिक्लेयर आज करना चाहता हो कि भाई मैं आज फेल हो रहा हूँ बट आई विल फाइंड आउट अ वे लेटर वंडरफुल वंडरफुल सो आफ्टर फेलियर्स एंड आई सी दैट यू हैव इवाल्व सो मच अपाउट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स

गगन जी जब एम गया था ना तो फिलिप कोटलर के थ्री सीज़ थे ऑनेस्टली हाँ. वो थ्री सीज़ क्या थे मुझे याद नहीं है मेरे लाइफ के तीन चीज़ें जो मुझे याद है चक दे क्रिकेट कंट्री ओके okay. मैं आई एम क्रेजी अबाउट ऑल दीज थ्री थिंग्स एनी थिंग दैट आई डू will always be to the fact, ki mai, how can i go back and contribute back to the country? Hmm. everything that we do, i am extremely driven by the fact, how do i contribute back to the society? how do i con contribute back to the country? Hmm. so uh, we've done numerous amount of things on this. I we have a foundation, a non-profit uh, organization dedicated to my grandfather uh, under his name ramdas Luthra foundation, in which we do tree plantation. Uh, there is a partition museum in india, or in delhi. Uh, we were a partition tone family. My dadaji came from Sargodha, Pakistan to India, and we know the pain that he had to go through. So, Partition Museum के जितना the landscape है, उसका जितना the management hai in terms of the uh, green landscape, is being done by us as a uh, as part of our foundation. Hmm. So, one we will keep doing this. Every invoice which is cut in our company for Chakde, there is an the next amount of money which goes into the foundation for doing these activities. Every container we ship out, there is an

All are connect because we've been exporting to 33 countries, looked at all are connect, saying that boss oxygen concentrators, se time pe, there was an acute shortage. Hmm. So got a links from Germany, US, Singapore, got the oxygen concentrators shipped from those countries to India at that point in time so that we could give it for free to people wow. to kind of use it, whoever was in need of it. सेटअप अ कॉल सेंटर इन दी ऑफिस सेंग कि भैया अगर ऑक्सीजन को रीफिल करना उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं मेडिसिन के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं हॉस्पिटल बेड्स को अरेंज करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं सो कम्प्लीटली क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर सेट हाउ कैन बी कॉन्ट्रीब्यूट बैक एट अ टाइम वैन इट वॉज द मोस्ट नीडेड सो दैट इज ऑलवेज बिन ऑन थॉट सेट हाउ डू वी गो बैक एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी ऑल राइट Going back to the roots, I see, is, uh, is something which is uh, paramount in your uh, uh, philosophy. That's what I see, and this is what I've heard so far uh, in this particular uh, session. Uh, I want to ask you one more question. Uh, you spoke about farmers earlier and uh, how uh, you have been uh, working with them. Uh, and brand spices is all connected to farmers, right?

तेज पत्ता एक स्पाइस uh, है hmm. जो कि हर घर में यूज़ होता है एवरेज रॉ मटेरियल प्राइस जो एक फार्मर को मिलता है वो मिलता है एनीथिंग बिटवीन फोर्टी फाइव से फिफ्टी रुपीज़ अ के जी वो पेड़ से तोड़ता है और मार्केट में आके पैंतालीस से पचास रुपये किलो में बेचता है hmm. मैं जाके बोलूंगा कि मैं वो प्रोडक्ट साठ रुपये का खरीदना चाहता हूँ बिकॉज फार्मर को एक्स्ट्रा पैसा देना है वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है बाई वुड दी एंड कस्टमर पे मी फॉर दैट तो वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं बनता सो वट वी रियलाइज वॉज दैट हमने जब क्लीनिंग करना स्टार्ट किया एट्टी थ्री परसेंट ऑफ दी जो तेज पत्ता है वो इन्फेस्टेड आता है उसमें या तो होल हुआ होता है या इन्फेस्टेड होता है क्योंकि इट इज सच अ लो वैल्यू प्रोडक्ट फार्मर उसका टेक केयर ही नहीं करता बिकॉज ही फील्स कि यार इसको टेक केयर करने का क्या फायदा है हम लोगों ने उसको हैंड शॉटिंग करते थे हमें पता चलता था एटी थ्री परसेंट तो बाई प्रोडक्ट निकल गया सेवेंटीन परसेंट इज गुड क्वालिटी फॉर चक दे बाकी तो हमारा यूज में नहीं हो रहा सो वी वेंट बैक टू द फार्मर्स वी टोल्ड देम बस आप पेस्टिसाइड यूज मत करो आप नीम ऑयल यूज करो गेव दम इक्विपमेंट्स गेव दम नीम ऑयल टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पेस्टिसाइड प्लीज पेस्ट प्लीज यूज नीम ऑयल सेकेंड

फूल मखाना कोई खाता ही नहीं था हमें प्रसाद भी मिलता था हम साइड पर निकाल के मीठी वाली मखाना खा लेते थे एंड लुक एट वट हैज हैपन टू फूल मखाना नाउ एवरी न्यूट्रिशनिस्ट इज टॉकिंग अबाउट इट इट इज सच अ ब्रिलियंट मूवमेंट इट्स नॉट दैट वीव

मेकिंग श्योर दैट यू आर इवॉल्विंग विद न्यू एंड न्यू टेक्नोलॉजी विद इन स्पाइसिस आई वुड आस्क यू क्वेश्चन वाई स्पाइसिस स्पाइसिस कैसे शुरू किया और uh, स्पाइसीज ही क्यों गगन जी इसका नाम मैं आपको बहुत फैंसी सा जवाब दे सकता हूँ जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी तालियां गैदर करेगा सेइंग कि क्या मैंने 18 साल पहले इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करी थी और कहा था ये इंडस्ट्री तो आग लगा देगी और मैं इसका अमिताभ बच्चन बनूंगा और मैंने तो इसलिए चूज़ किया था इसमें अस्सी करोड़ की मार्केट थी और ग्रोइंग मार्केट थी और ये सब था ये सब बकवास है आई जस्ट स्टम्बल ऑन टू दिस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मेरे डैड ने मेरे बिजनेस में आने से पहले सोचा कि स्पाइसेस भी एक सेगमेंट हो सकता है खारी बावली में दुकान करने का सोचा आई वॉज गिवन दिस दिस कि लेट्स ट्राई वी ही हैव अ बैकग्राउंड ऑफ स्पाइसेस उनको ऐसे लगा कि स्पाइसेस का एक बिजनेस है एक्सपोर्ट्स में कभी बैन नहीं होता तो ये इम्पोर्ट करके यहाँ पे लोकल बेचने की शुरू करते है सो आई जस्ट ऑन टू दिस दिस वॉज अ प्लान डिसीजन इन बोर्ड रूम कि ये तो मैं तोड़ दूंगा इंडस्ट्री को नाउ आई एम डीपली मैडली इन लव दिस इंडस्ट्री आई एम सो ब्लेस दर अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्री बट इट डज नॉट रियली हैव अ बॉलीवुड एंट्री और अ स्टोरी बिहाइंड किया क्यों था ये तो बस तुक्के से गिर गया इसके अंदर ऑल राइट सो ना अब आप गिर गए हो तो इसके बारे में अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आखिरी क्वेश्चन इतना कुछ किया आई कैन सी फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड यू हैव सीन द जर्नी एंड हाउ यू विवॉल्व राइट हाउ डू यू सी चक्ते गोइंग अ हैड ग बहुत लंबा फ्यूचर तो नहीं देखा बट इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट फाइव ईयर वोट आई से इज दैट अगेन अ फर्म बिलीवर ऑफ द वन थिंग वी वॉन्ट स्पे स्टे इन दिस स्पाइसिस कैटेगरी फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड एस्टाब्लिशेस आर सेल्स एज दी नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड प्लेयर इन द स्पाइसिस एज द कैटेगरी एंड दैट्स वॉट वोट यू वॉन्ट टू डू एस्टैब्लिशेस आर सेल्स एज द मार्केट लीडर इन द स्पाइसिस कैटेगरी बाई टू थाउजेंड थर्टी वंडरफुल ग्रेट थैंक यू सो मच विक्रम आई थिंक दैट वॉज really fabulous and wonderful the way you have explained about uh, the business explained about your passion how you came into it and how you have worked together to evolve this i can clearly see that uh, it's it's a clear team effort which you have built it up uh, you know uh, within uh, whereby you are not only uh, leading for yourself but along with the, direct, the directors but also making sure that you're taking along various factions of the society, the people, uh, the farmers, as well as looking at the customer needs and always thinking from the perspective of the customers, I think this is uh, this is pure fabulous stuff which I can see, and there is no reason why I don't see uh, that the vision which you have just now spoken about is not going to go forward. Right? Uh, I definitely wish you all the best that uh, you uh, conquer all your thoughts, dreams, and visions. Uh, in the times to come and uh, it's absolutely absolutely wonderful to have this conversation with you thank you last parting note i would like to add is that this story was narrated by me lived by three people and breathed by 1200 people of team that we have absolutely wonderful great thank you so thank much you.